हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं, हम भी ठीक हैं। तो आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ये ब्लॉग आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। फिलहाल हम निकल रहे हैं अपने ट्रैवल के लिए, और ट्रैवल कहाँ का है वो तो आपको बाइक दिखाती हूँ पहले, उसके बाद आगे एक्सप्लेनेशन देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल हम पांवटा साहिब में हैं और प्रिंस भी मेरे साथ हैं, तो आपको आगे ब्लॉग दिखाती हूँ, देखिए पूरा। अंदर है। सो बाइक आपने देख ली है, अब हम निकलते हैं अपने ट्रैवल के लिए। बाइक को देख के थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग ही गया होगा कि हम एग्जैक्टली जा कहाँ रहे होंगे, तो वो सब आगे आपको व्लॉग में पता लगेगा। और अब देखिए इनको मौली के हाल। नहीं जाना, नहीं जाना, आपने आ जाएंगे हम जल्दी, ठीक है मामा, बाय। सो हम लेट हो रहे हैं, तो मैं अभी निकलते निकलते ही व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आगे आपको व्लॉग में दिखाती हूँ। आपने अपना हेलमेट अंदर ही पहन लिया है, चलिए अब चलते हैं बाहर। सो दोस्तों, हम निकल गए हैं पांवटा साहिब से अब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। रात होने वाली है, शाम का समय था अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 के बीच का समय था जिसमें हम निकल रहे हैं। ऑफिस ख़त्म करने के बाद अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल रहे हैं, और बहुत खुश हैं हम कि बहुत लंबे समय से हमारा प्लान था, प्रिंस का तो अप्रॉक्सीमेटली 10 सालों से ये प्लान था कि इस जगह को एक्सप्लोर करना है जहाँ के लिए हम निकल रहे हैं। थोड़ा सा सस्पेंस है आपके लिए, बट डेफिनेटली आपको लोकेशन भी एक्सप्लोर कराएंगे। ये एक लंबी सीरीज होगी जिसमें हम आपको कुछ नई नई जगहें दिखाएंगे जहाँ जहाँ हम जा पाएंगे अपने इस ट्रैवल में। और अब पांवटा साहिब से हम निकल चुके हैं, आप सामने देख सकते हैं ये महादेव चौक है, और साइड में ही आपको दिख रहा होगा डिशम थिएटर जिसको हमने क्रॉस किया, और इस समय बहुत सुंदर लग रहा है, लाइटिंग वगैरह सब कुछ चमचमा रहा है पांवटा साहिब में। तो यहाँ से आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं सामने, यहाँ से पांवटा साहिब की एग्जिट होती है और हमारे जर्नी की शुरुआत होती है। तो चलिए आपको एक्सप्लोर कराते हैं अपने साथ। तो सबसे पहले हमें चीज़ करनी थी, पेट्रोल फिल कराना था, तो पेट्रोल फिल कराने के लिए हमने नियर बाय ही पेट्रोल पंप में जाके बाइक को फ्यूल टैंक फिल कराया और निकल दिए अपने आगे की डेस्टिनेशन के लिए। सो हम चले हैं पांवटा से, अभी बहुत रात हो चुकी है, 10:30 हो रहे हैं। और कैसा लग रहा है प्रिंस? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। और हम चलते हुए अपने साथ रिंग लाइट लेके चले हैं, तो कि इतने अंधेरे में भी हम अपने चेहरे के ऊपर लाइट करके आपको दिखा रहे हैं। तो हम अभी शहजादपुर में हैं और यहाँ रुक करके हम पानी पी रहे हैं, और अभी हम ऑन द मिडवे हैं। अभी जाने से मतलब जो आज का स्टे है हमारा वो कहाँ है वो तो आगे ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा, बट देखिए आगे। तो हमारे ट्रैवल के लिए हमने अपने साथ पानी की बोतल कैरी की थी, तो लॉन्ग जर्नी थी, अप्रॉक्सीमेटली 6-7 घंटे का ट्रैवल तो हमने आज करना ही था, तो साथ में पानी लेके चले हैं। और ये छोटू सी मेरी रिंग लाइट के तौर पे जिसको मैंने कैरी किया है, ये एक लाइटर था जो कि मैंने सोचा अपने लॉन्ग ट्रैवल में यूज़फुल आएगा रास्ते में ट्रैवल के लिए। तो आगे चल ही रहे थे, उसके बाद हमारा सामान थोड़ा डिसेंबल हो गया, उसको हमने फिर से सेट किया, अच्छे से बांध लिया, और फिर उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करा। रास्ते में एक दो जगह हमें एक्सीडेंट भी देखने को मिले आगे, तो वो आपको वीडियो मैंने बनाई है, वो भी देखिए। हो गया डन, चले। इधर को क्यों आ रहा है? ठीक है यार, ये डब्बा इधर को हो गया है। ये अभी हम यहाँ से निकले ही थे कि आगे जाके ये जो ट्रक है एकदम अपनी लेन को छोड़ करके नीचे हो रखा था, मे बी वेट ओवरलोड की वजह से हुआ होगा ये। तो हम तो सेफली साइड से आ गए, बट इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है बाइक पे ट्रैवल करते हुए खासकर, क्योंकि दूसरों की गलती की वजह से खुद को भी नुकसान हो सकता है। तो हम निकल दिए आगे अपने ट्रैवल के लिए, रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और ये है चंडीगढ़ की वादियाँ, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो आज इतनी रात हो चुकी है, हमने सोचा अपनी जर्नी को यहीं हॉल्ट करना चाहिए, तो हम आज रुकेंगे रात को मोहाली में। तो भैया को ऑलरेडी हमने फ़ोन करके बोल दिया था, तो उनके पास रात को स्टे किया, और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर अपनी जर्नी को दोबारा से यहीं से शुरुआत करेंगे। वो सब आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो देखिएगा आगे। जय जय जी, बोलो जय जय जी, जय श्री राम। द नेक्स्ट मॉर्निंग।
तो दोस्तों कल शाम को हम अभी इतनी जर्नी के लिए निकले तो हैं, बट लेकिन रास्ते में ही रुके थे, तो अभी कहाँ जाना है वो तो फर्दर आपको डेफिनेटली इस ब्लॉग में तो पता चल ही जाएगा। और आज कुछ स्पेशल भी है, तो वो सब कुछ आगे फर्दर आपको ब्लॉग में रहने के बाद ही समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या स्पेशल है जो आज है। और मैं इस समय कहाँ हूँ वो भी आपको बता देती हूँ कि कल शाम को हम कहाँ रुके थे, अपनी जर्नी को बीच में हॉल्ट कहाँ किया था, वो सब भी आगे ब्लॉग में दिखाती हूँ। रात ज़्यादा हो गई थी इस वजह से रात को रिकॉर्ड नहीं किया, और अभी सुबह का टाइम है तो मैं भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाती हूँ। तो मैं रुकी हूँ मोहाली में, मोहाली में अपने भाई भाभी के पास, तो अनन्या और नव्या से भी आपको मिलाते हैं। यहाँ पे अभी प्रिंस और छोटी नव्या साथ में खेल रहे हैं, ये कितने खुश है। हेलो प्रिंस, इधर सुनो, क्या कर रहे हो आप? बेबी के साथ, बेबी यहाँ ही बात करनी, क्यों नहीं बनानी भाई, बुई के साथ नहीं बनानी वीडियो। ये बेबी कौन है, हेलो करो बेबी को। चले फिर निकले। एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से बच्चा भी परेशान हो गया है गर्मी में, भाई बेबी को बेबू परेशान हो गया है। ओ बुजी, चलो बुजी के साथ, चलो चलो फिर बुजी के साथ चले ना भैया, चले। हाँ नहीं जाना तो हम निकल रहे हैं यहाँ पे, चले बुई के साथ नन्नू, चले चले। हमारी बाइक लोडेड है, तो फाइनली भैया और अनन्या नव्या भाभी सबको बाय बाय करके हम यहाँ से निकल दिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। और ये मोहाली की लोकेशन है जो आप देख रहे हैं इस समय ब्लॉग में। सो गाइज, यहाँ से निकलते ही हमारा सामान फिर से हिल डुल गया था, क्योंकि हमने भी इतना सामान लेके कभी ट्रैवल नहीं किया है। तो यहाँ थोड़ा सा आगे पहुँचते ही ऐसा प्रिंस ने बैक मिरर में देखा कि हमारा स्लीपिंग बैग जो था वो बाइक पे नहीं है, मिसिंग है। तो आगे जाकर के मैंने भी पीछे मुड़ के देखा, क्रॉस चेक किया सामान को, तो मुझे भी नहीं दिखा। तो फिर हमने बाइक साइड में लगा ली, उसके बाद चेक किया कि सामान कहाँ गया हमारा, हमें लगा कि वो उड़ के कहीं गिर गया है या पर, लेकिन हमने बंजी से उसको अच्छे से बांध दिया था, इसी वजह से जो स्लीपिंग बैग था वो कहीं गया नहीं, वहीं उसके बाइक के नीचे जा कर के लटक रहा था। बट टाइमली हमने बाइक रोक ली, अदरवाइज तो हमें नुकसान हो जाता और हमारा स्लीपिंग बैग भी खराब हो चुका होता। तो देखिए क्या हुआ था, यहाँ हमारा स्लीपिंग बैग इससे निकल के नीचे के पीछे सरक गया था, फिर हम इसको दोबारा रीसेट कर रहे हैं। सामान चेक किया और आई थी बदल कैंपस के पास से हम निकल रहे थे, यहाँ साइड में छबील लगी हुई थी, सेवा लगा के ट्रक लगा भी था कि हम आज जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच पाए, क्योंकि कल रात को भी हम लोकेशन पर नहीं पहुँच पाए, हम लेट चले पौंटा साहिब से ही। तो ऐसे ही जल्दीबाजी में हम पहुँच गए आधे रास्ते, और थोड़ी रास्ते तक आगे जाने के बाद हमें रास्ते में काफ़ी कुछ देखने को मिला, जैसे कि ये पंजाब लोकेशन है, इसको क्रॉस करके अब हम हिमाचल पहुँचने वाले हैं, तो हिमाचल में ही आज हमारी डेस्टिनेशन होगी जहाँ कहीं हम स्टे करेंगे। तो रास्ते में नहरें हैं जो कि देखने को बहुत सुंदर लग रही है, इतना साफ सुथरा पानी है नहर का, पूरा हरा हरा रंग दिखता है इस मौसम में जब हम देखते हैं नहरों को। और आगे जाकर के फिर कुछ टोल टैक्स थे जिनको हमने क्रॉस किया, और कुछ लोग हमारे जैसे ही अपनी बाइक के ऊपर सामान को लेकर के चले हुए थे जो कि हमें देखने को मिल रहे थे रास्ते में, अपने जैसे
जैसे ही और दूसरे ट्रैवलर्स, जिनको देख करके खुशी भी हो रही थी कि हम ही अकेले नहीं है जो ऐसे ट्रैवल कर रहे थे सामान लेके, हमारे जैसे और लोग भी हैं जो कि बाइक पे राइड करते हैं, तो वो सब भी आगे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी देखिए आगे वीडियो को। यहाँ से जो था मोहाली से हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और अब मनाली ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम सोच रहे थे कि आज हम मनाली तक ही पहुँच जाएँ, तो मनाली तक तो हम पहुँचे नहीं पहुँचे, आगे ब्लॉग में आपको अपडेट मिल जाएगा। बट आप इस समय देख सकते हैं ये है हिमाचल के पहाड़ जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ऐसे ही जर्नी को आगे हमने कंटिन्यू किया और प्रिंस से भी पूछा कि कैसे लगे आपको जगह, ठंडा ठंडा मौसम था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो प्रिंस से तो पूछ लिया आपको कैसा लग रहा है, आप सबसे भी पूछ लूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं अपनी वीडियोस को जल्दी से जल्दी पब्लिश करूँ आप सबके साथ और इस सीरीज़ को आप सबको दिखाऊँ कि एग्जैक्टली हम कहाँ गए हैं और कैसा हमें लग रहा है। डेफिनेटली आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा वीडियो को देख करके, तो और अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक यहीं पर कर देंगे इस समय। तो यहाँ से हम निकल रहे थे आगे तो बिलासपुर वाली लोकेशन आएगी जहाँ पे हमने दोबारा रुक करके अपनी पानी वगैरह पिया था, काफ़ी लंबा ट्रैवल हो गया था जहाँ हमने हॉल्ट नहीं लिया मोहाली से निकलने के बाद, तो पानी वगैरह पीने के लिए हम रुके थे। उससे पहले रास्ते में आपको दिखा देते हैं, ये देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है वाला बोर्ड था और ये टनल नंबर 1 थी जिसको हमने क्रॉस किया और बहुत लंबी टनल थी, इसको क्रॉस करते करते ही अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी लंबा समय हो गया था, 8 से 9 किलोमीटर की लंबी ये वाली टनल थी, तो जिसको क्रॉस करते हुए मैं वीडियो भी बना रही थी और आप सबके लिए रिकॉर्ड भी किया है मैंने। तो ऐसी ही और भी टनल्स हैं पर बरसात के सीज़न में थोड़ा पानी वगैरह भी अंदर आ जाता है टनल्स में, तो एक तरह से काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है जो गवर्नमेंट ने कर रखी है टनल बना के, अदरवाइज़ तो बहुत लंबा रास्ता होता है जो साइड से कवर करके आना पड़ता है, बट टनल के थ्रू ये सारा रास्ता जो है शॉर्टकट बन चुका है आपकी जर्नी को शॉर्ट करने के लिए और जल्दी से जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएँ थ्रू ये टनल्स के। तो काफ़ी अच्छा था जो एक्सपीरियंस इस टनल के अंदर क्रॉस करने में आया, बट काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी इस टनल के अंदर क्योंकि इतनी लंबी टनल थी और ये पहली टनल थी, तो काफ़ी वैसा लग रहा था कि कब ख़त्म होगी क्योंकि बहुत गर्मी गर्मी फील हो रही थी टनल के अंदर, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था जो क्रॉस करते हुए लग रहा था। तो डेफिनेटली अब टनल क्रॉस करी हमने, उसके बाद बाहर जैसे पहुंचे इस टनल को क्रॉस करने के बाद आगे मौसम एकदम ठंडा हो गया था और बारिश का मौसम चल रहा था, तो काफ़ी वैसा फील हो रहा था ठंडा ठंडा। तो टनल के अंदर तो टेम्परेचर सच में ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा गर्म था, ऐसा फील होता है हम किसी ग्रीन हाउस के अंदर आ गए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है इसके अंदर। तो टनल को क्रॉस करते करते काफ़ी चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि आगे का कैसा वेदर होगा और कैसी हमारी जर्नी फर्दर रहेगी, तो ये सब भी आपको दिखाऊंगी, बट इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करके इस व्लॉग को इस टनल के साथ ही क्लोज करती हूँ और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ये वाली, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में गाइज आने वाली वीडियोस के लिए चैनल पर ज़रूर आइएगा वापस, आपको यही सीरीज़ पूरी दिखाएंगे कैसा हमारा फर्दर ट्रैवल रहेगा और आगे हमने क्या क्या एंजॉय किया, तो वो सब भी आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी जो आपको कंटिन्यूस व्लॉग्स आने देखने को मिलेंगे आगे, थोड़ा लेट भले ही आएंगे बट डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरीके से हम आगे निकल ही रहे थे, अब टनल भी एक तरह से हॉल्ट पे आने ही वाली थी और अपनी जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं, आप सबको मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, छोटों से प्यार करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें और खुद का ध्यान रखिए। तो यहाँ से हम निकल गए हैं बाहर और बाहर जाकर के आपको टनल के बाहर का मौसम भी दिखाते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो देखने का बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।